सभी लोग मेरे पास सुनाई दे रही, आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यह मैं बहुत बोल जम्मू कश्मीर डॉक्टर प्रसाद अनुरागी सर हैं और विधानसभा प्रदेश के कैंडिडेट जनाब फकीर मोहम्मद खान सर और लीडरशिप दे रही जनाब राजा एवं और स्टेट सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बीजेपी तारीख 3 साल यहाँ मौजूद मेरे सभी बुजुर्गों नौजवान दोस्तों यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। कश्मीर के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा था इंसानियत जमहूरियत और कश्मीरियत। जिस दिन तेरू साथ होंगे तो फिर से कश्मीर को जन्नत बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं। आप सभी जानते हैं यहाँ पर केवल दो पोलिटिकल फैमिलीज ने बराबर सियासत सियासत और सियासत को एक तब्दील दिया है, इस मुल्क का विकास नहीं किया है। लंबे समय तक लोगों ने यहाँ पर हुकूमत की है और आज मैं वैसे भारत का होम मिनिस्टर रहते हुए भी मैं पूरे आया लेकिन शायद यहाँ पर कभी नहीं आ पाया। मेरे दोस्तों, इस देश की हसीन वाणी को देखकर मेरे पास समझ में आ जाता है कि क्यों कश्मीर की वाणियों को दुनिया की जन्नत का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में काफी लंबे समय से आता रहा हूं लेकिन बदनशीबी की गई शायद इस जगह पर मैं पहले नहीं आ पाया लेकिन हमारी वो बदनशीबी समाप्त हो गई। आज मैं यहां पर पहली बार आ गया। जिस तरीके से आप लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया है मेरे दोस्तों, मैं कभी सोच नहीं सकता इतनी गर्म दोषी के साथ मेरा इस्तेमाल। और मैं भी अपनी तरफ से आप सब पहले दिन खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर का चुनाव यह कोई साधारण चुनाव नहीं है, यह हिंदुस्तान की जमहूरियत की ताकत और उसकी मजबूती का मुजाहिरा है। यह चुनाव आपकी जमहूरी हक का एहतराम है। इस मुल्क के बारे में हर एक इंसान का एक अहम रोल रहा है और यह एक आपका वोट दे रहा है। आप चाहे तो अपने इस रोल को अदा कर सकते हैं। आप सभी से सम्मान करना एक ही इंसान है, आप नहीं करना चाहिए। इस देश की हाली में जो वोट लेने से शुरू किया है नहीं बचाना चाहिए। जब से हमारी सरकार सेंटर में रही है तब से जम्मू कश्मीर में अमन अमान के हालात में मैं बताऊं सच्चाई को भी नकार नहीं सकता। पहले का जम्मू कश्मीर और आज का ये हुआ दोनों मेरे दोस्तों बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। मोदी जम्मू कश्मीर के लिए 2014-15 में एक स्पेशल पीएम पैकेज उन्होंने दिया जो आज बढ़ते बढ़ते और पीएम पैकेज 90,000 करोड़ तक पहुंच गया और यह रकम कितनी ज्यादा है इसका अंदाज आप किसी बात से लगा सकते हैं। कितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने हो गया। मैंने तो कहा कि मेरे पाकिस्तान के दोस्तों क्यों दूरी बनाकर मुझे रखे, क्यों दूरी बनाकर रखे। आप हमारे पड़ोसी बिल्कुल और हमारे आदर अटल हमारे वाजपेयी जी कहा करते थे जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। यही हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर लिए रखते आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम दे देते हैं।
दोस्तों हम जो पैसा खर्च करते हैं वह जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जबकि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एड का बेजा इस्तेमाल लंबे समय से होता चला, दूसरे मुल्कों से पैसे लेकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है। दहशतगर्दी की फैक्ट्री चलती है उस मुल्क के साथ। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा यह जुल्म है। दहशतगर्दी का यह कारोबार अब लंबा नहीं चलने वाला है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कश्मीर में दहशतगर्दी के पीछे हमेशा जब भी हम लोगों ने जाना की है पाकिस्तान का ही नाम लिया है। मैं पूरी ईमानदारी से बात कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाने के लिए पाकिस्तान अभी छोड़ चुका है। हिंदुस्तान की हर सरकार ने बराबर पाकिस्तान को समझाया और आपने देखा होगा कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी एक बार पैदल चलकर पाकिस्तान गए जब आप प्रधानमंत्री थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर मोदी जी पाकिस्तान नवाज शरीफ जी के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। आप सबको हिंदुस्तान के हर सरकार ने पाकिस्तान को समझाया है कि अपनी जमीन पर चलने वाले टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप को बंद करो, मगर आज भी वह बाज नहीं आ रहा है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान इस समय बौखलाया है। अब भारत वह कोशिश कर रहा है कि फिर से दहशतगर्दी का आलम इस जम्मू कश्मीर में आया। वह नहीं चाहता है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत मजबूत हो। मेरे दोस्तों, लेकिन आप लोगों के हौसले को देखकर मुझे पक्का यकीन है कि मेरे दोस्तों अब यहाँ की जमहूरियत को दुनिया में कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती है। मेरा पक्का विश्वास है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन पाकिस्तान को यह भूलना नहीं चाहिए कि यह नया हिंदुस्तान है। दहशतगर्दी या खराब हम सरहद के इस तरफ ही नहीं, जरूरत होगी तो सरहद के उस पार भी जाकर हम हमला कर सकते हैं। और जो लोग सरहद के उस पार बैठकर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बना रहे हैं, मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ और उनको मैं साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ कि अगर भारत में कोई बड़ी आतंकी वारदात हुई वह जहां बैठे होंगे वहां हम खुद शर्मा लेंगे। हम आपको विश्वास हिंदुस्तान और कश्मीर इंटरनेशनल फोरम पर बदनाम करने की बराबर पाकिस्तान के द्वारा कोशिश की गई। इस बार टर्की ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, टर्की ने भी छोड़ दिया क्योंकि वह भी पाकिस्तान की नीयत अच्छी तरह समझ चुका है। इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तुर्की के प्रेसिडेंट ने कश्मीर की बात नहीं की। जो टर्की बराबर पाकिस्तान के साथ दोस्ती निभा रहा था उसने दूसरा विश्वास छोड़ दिया। कम से कम पाकिस्तान अब तो असलियत और हकीकत को समझना चाहिए। पाकिस्तान के वजीर आजम इस समय मियां साहब शरीफ साहब और राइस में उनकी बौखलाहट इस बार मेरे साफ देखने को मिली है। दोस्तों, मैं आज आप सबसे यही कहने आया हूँ जहाँ तक गुरेज का प्रश्न है। गुरेज यह बहुत ही सुंदर एक सीमा का मुल्क है। यहाँ के हजारों देशभक्त यहाँ के हजारों पेट्रियट आपकी सेवा के साथ मिलकर काम करते हैं और जीवन का अपने गुजारा करते हैं। मुझे पता है कि वो ये सवाल ऐसे नेता यहाँ पैदा हो गए जो कि आपको सेना में अपनी नौकरी करने से रोकते हैं, आपको काम करने का मौका नहीं मिल पाता है। मैं डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते कहना चाहता हूं आज जितने लोग सेना में काम कर रहे हैं आप इनको जिताइए हमारे फकीर साहब को। मैं यकीन दिलाता हूं इससे ज्यादा लोग सेना में काम करेंगे। बराबर विषय अपनी जनता की रेखा की नबी अच्छा लगा अभी फकीर साहब अपना करें और पिछले कुछ वर्षों में 24 घंटे की बिजली व्यवस्था हो गई। अब पता नहीं 24 घंटे बिजली आ रही है, अब 24 आवर्स के लिए बिजली आ गई। यह हालत हो गई और इंटरनेट के टावर भी लगाए गए। यह भी मुझे बताया गया सड़क की हालात पहले कुछ बेहतर हुए कि नहीं हुए, आगे और बेहतर हो।
इमरजेंसी के लिए हमारा हेलीकॉप्टर मौजूद है, काम चल जाएगा। ये बात अब एकमात्र बड़ा काम जो मुझे बताया गया है बचा है वह राजधान पास के पहाड़ों में सुरंग बनाकर और बाकी देश के भारतों से निरंतर संपर्क ही न बना रहे बल्कि निरंतर रिश्ता भी बना रहे। इससे और लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है और मैं स्वयं इससे संबंधित जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उनको लेकर ले जाऊंगा। फकीर साहब को चुनकर मिली फकीर है भाई भी एक बार वहां फैला लेंगे मैं बेहतर ले जाएगा। और मैं तो ये कहूंगा यहां इसी प्रॉब्लम को जो मैं सॉल्व कर सकता हूं सॉल्व करूंगा और मैं स्वयं मोदी जी को रिक्वेस्ट करूंगा आप फकीर साहब के लिए बुरे चलो कल्चर की बहुत ही रिच है समय और इनकी जो भी अपनी कल्चर है यहाँ की जो इनकी रिवाज है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी हो सकता है वो हम सब करने की कोशिश करेंगे। उसको मुझे बताया गया है कि सीना लोग भी यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। सीना है 95% सीना लोग हैं। इनकी लैंग्वेज और कल्चर कुछ काश्मीरियों से डिफरेंट है और लेकिन भारतीय सेना के द्वारा सीना कल्चर को प्रदर्शित करने वाला एक म्यूजियम भी शायद अंग्रेज में बन गया है। पहले किसी सरकार ने नहीं बनाया, पहले किसी सरकार ने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। सीना लैंग्वेज के बारे में मुझे बताया गया कि विशेष प्रकार की लैंग्वेज और लगभग 10 लाख लोग इस लैंग्वेज के नाम बोलते हैं। इस लैंग्वेज के विकास के लिए जो भी करते बनेगा हमारी गवर्नमेंट करेगी। टूरिज्म का भी बहुत बड़ा स्थान है, टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा फारूक अहमद साहब से ही मैं कहूंगा फारूक अहमद साहब आप मत देखिएगा राजनाथ सिंह से मिलते रहिएगा मिलते रहेगा बराबर बराबर टेलीफोन जिसको भी करना होगा मैं टेलीफोन करूंगा। फारूक अहमद खान साहब का यहां तक पढ़ना अच्छे पढ़े लिखे देना है और एमएलए रह चुके हैं 96 से लेकर 2002 तक। जीत कर आएंगे घाटी के पहले एमएलए के रूप में भाजपा के पहले एमएलए के रूप में हिस्ट्री बनाएंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ चीजें मैं नोट करके इसलिए लाया था कि कहीं कोई बात हमारी आपसे छू नहीं गया। हम टेररिज्म सेपरेटिज्म आतंकवाद अलगाववाद का ऊर्जा बढ़ाया करके जम्मू काश्मीर को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की दिशा में तेजी से आगे ले जाए और हमारी गवर्नमेंट जम्मू काश्मीर बन जाती है। देख मान सम्मान योजना चलाने हम लोगों ने फैलाई है। इस घर में हर घर में जो सबसे उम्र में बड़ी जो महिला होगी
उसको प्रतिवर्ष 18,000 रुपया दिया है। और हमारी उज्ज्वला यहाँ पर गैस सिलेंडर लोगों को मिला है, तो हर सिलेंडर जी को मिला है उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल दो मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराए। और हमारी और योजना है कि प्रगति शिक्षा योजना के अंतर्गत कॉलेज के विद्यार्थियों को यातायात संबंधी भत्ते के रूप में, जो विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं दूर दराज इलाके को, भत्ते के रूप में प्रतिवर्ष उनके खाते में 3,000 रुपया ट्रांसफर कर दिए। और यदि कोई मजिस्ट्रेट बनना चाहता है, अन्य किसी नौकरी में जाना चाहता है, उसके लिए कोचिंग चाहता है, दो वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फीस यह जो है गवर्नमेंट द्वारा दी है। हर दूर दराज के जो भी क्षेत्र में घर थे वहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप मुहैया कराए। दोस्तों, हम अटल आवास योजना अटल जी के नाम पर रखा गया है, अटल आवास योजना के माध्यम से जिनके पास लैंड नहीं है ऐसे लोगों को 5 मरला जमीन का मुफ्त में आवंटन करेगा। हम सभी जितने भी कंज्यूमर उपभोक्ता है उनके लिए बिजली और पानी के जो बढ़ाया बिल है उनका, उसका कैसे हल निकाला जा सकता है इसके संबंध में हम विचार करेंगे। और हर घर में हमारी यह कोशिश होगी कि अब नाले से पानी न लेना पड़े, नदी से पानी न लेना पड़े, हर घर में नल पहुंच जाए और नल से लोगों को जल मिलने लगे, पानी मिलने लगे। मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे, इसमें सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए यदि आप सोलर सिस्टम 100 ऊर्जा के लिए यह भी आप करवाएंगे तो 10,000 रुपये की आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। जो बुजुर्ग है, वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता, पेंशन या मिलती है, पेंशन दी जाएगी 1,000 रुपये मिलती है, इसको बढ़ाकर 3,000 रुपया कर देंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आपके पास कार्ड बना है, श्रम स्वास्थ्य बीमा बना है, तो ये 5 लाख का कवरेज तो मिलता है, 5 लाख रुपये का इलाज आप उसमें करा सकते हैं केवल आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। इसके अलावा गवर्नमेंट यहां बन जाने के बाद 2 लाख रुपए की और मुफ्त इलाज की सुविधा आपको मिलेगा। और पूरे जम्मू काश्मीर की बात मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने लेकर कॉलेजों का 1,000 नई सीटें भी अपने ले जा रहे हैं। किसान सम्मान निधि करीब करीब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लोगों को 6,000 रुपया हर साल मिलता है, यहाँ कितने लोगों को मिलता है हाथ करिए हाथ उठाकर बता दिए आर्थिक चीज चाहते हैं।
आपको आगे का सवाल ही नहीं, यह आपको धोखा देते हैं जम्मू, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी, हम आर्टिकल 370 को फिर से ला देंगे। मैडम आयो आर्टिकल 370 लाने का काम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत है। चुनाव जो हुए हैं उसमें जम्मू कश्मीर की भागीदारी 58.44% रही है और लद्दाख में 71% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया, बिना भय बिना पक्षपात के चुनाव हुए और पूरे भारत में ही सारी दुनिया में इसे देखा है। यह है जम्मू कश्मीर के बदलाव का मैसेज मेरे पैरों में और यह बदलाव करने से भागीदारी है और जम्मू कश्मीर पिछले 10 वर्षों में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, यह हमारी सरकार की कोशिशों का परिणाम है। मेरे दोस्तों आजादी के बाद यहाँ हमारी बेटियां समाज के कमजोर तबके के लोग जो अपने हक से वंचित रह गए थे उन सबको उनका हक मुहैया कराएगी हमारी गवर्नमेंट। बहुत सारे काम किए या नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव ही नहीं होते, अब वो चुनाव मैंने भले वो बखूबी होंगे, हम लोगों ने कराया भी है, कोई रोक नहीं। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया जाएगा, आप उससे वंचित नहीं रहेंगे। पहले के हुक्मरानों ने इसकी परवाह नहीं, पहले के हुक्मरानों ने इसकी परवाह नहीं की और देखा हमने पता नहीं कितने वर्ष हुआ। श्रीनगर के लाल चौक चौराहे पर बहन भाई हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा पहली बार लगा है। आज कश्मीर में करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं, पहले कश्मीर को एक टेररिस्ट पार्क बना है, अब करोड़ों यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, अब कश्मीर टेररिस्ट पार्क नहीं रह गया बहन भाई बल्कि टूरिस्ट पार्क बन गया। 35 वर्षों के बाद आपका प्रतिभा ताजिया श्रीनगर में निकली है, प्रतिभा ताजिया श्रीनगर में नहीं, कैसा कुछ क्या है क्या करना है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा की सड़कों को बना रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक ठाक है काम, उससे आप संतुष्ट हैं? और आईटीसी सर्विस समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा एक काम ये हुआ है कि पहले 10 से 12 घंटे लगते थे जम्मू से कश्मीर जाने में, कश्मीर से जम्मू जाने में, अब आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं। अब तक जम्मू कश्मीर में लगभग 38,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूँ पूरे कश्मीर के भगवानों को, एक बार हमारी गवर्नमेंट बनानी है, हमारे कश्मीर के किसी नौजवान के हाथ में पिस्टल और रिवॉल्वर नहीं होगी, एक नौजवान के हाथ में होगा कंप्यूटर और लैपटॉप। पहले यहाँ के स्कूलों में कश्मीर के स्कूलों में आग लगानी है, कोई मां का आग लगाने की जरूरत नहीं कर पाएगा, यहाँ IIT खुलेंगे, IIM खुलेंगे, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुलेंगे, लूटा है जम्मू कश्मीर को, इन लोगों ने अपना एटीएम मशीन बना लिया, जम्मू कश्मीर की आवाम का कोई उन्होंने खराब नहीं किया, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ उन्होंने खराब नहीं किया, अपने परिवार को बनाया है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सबका समर्थन हम सबको चाहिए। अभी तक जो मुझे आंकड़ा दिया गया है 5 सालों में लगभग 40,000 यहां पर लगी है, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 5.2 मान 5,20,000 लोगों को रोजगार हम लोगों ने मुहैया कराया है और मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई वाले आपका भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन मिले, आप हमारे सतीश चुनकर
जम्मू काश्मीर की भारत को मिली है। इसे भारतीय जनता पार्टी के आने से सबसे बड़ा लाभ है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को सीरियसली नहीं लेती। भारत कमजोर देश है, गरीब देश है, हमारी बातों को सीरियसली नहीं सुनती। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया काम को लेकर सुनती है। भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत रखती है। आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। आपने देखा टेलीविजन पर किसी ने रूस कितने बढ़ रहे घर घर में देखा है रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल बराबर तो कम बोली रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से चल बहन भाई जिस समय यह लड़ाई शुरू हुई थी हमारे देश के रहने वाले बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पढ़ाई करते हैं लगभग 30,000 बच्चे वहाँ पढ़ते थे यूक्रेन में। उनके फादर वाले उनके माता पिता यूनियन पर रहते थे और प्राइम मिनिस्टर से मिले और उन्होंने कहा कि मुझे चाहे हमारे बच्चों को आप इंद्रेन से निकाल कर बाहर ले आइए हमारे बच्चे की पढ़ाई हो या ना हो इसी हम चिंता की। मेरे घर वाले पिता का भी काम था दुनिया का कोई नेता नहीं कर पाया लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर वही भी लेकर के निकल गए। उन्होंने तुरंत रूस के प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की से बात की और आपको जानकर खुशी होगी 4.5 घंटे के लिए वार रुक गया और 22,000 बच्चे वहां से चल के बाहर निकले। हिंदू थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, सब इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि बहन भाइयों आपका समर्थन हम सबको मिलना चाहिए। कोई भी बीमारी यहाँ हो कोई भी कोई भी बड़े सौभाग्यशाली हैं आप बड़े मुकदर वाले हैं 0.5% सारा देश सारी दुनिया कोविड की बीमारी से परेशान थी लेकिन आप लोग बच गए। यह तो सचमुच यह तो कुदरत की बहुत बड़ी मेहरबानी है आप सबके ऊपर वाले की मेहरबानी है कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए कहा जाता है यदि हिंदुस्तान का जनता के कुछ इसलिए बन सकता है तो जम्मू काश्मीर बहन भाई आप मेरे वकील मोहम्मद खान साहब को पंपर को पूछ लीजिए लेकिन कब होगा कि आप सब अपना समय अपना 5-6 दिन का 2-4-5 दिन जो भी बचा है निकालेंगे क्योंकि पहली तारीख को टीम आप निकालेंगे समय निकाल कर लोगों तक जाएंगे और इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे पहुंच कर रहे Thank you.
इस्तेमाल करने के लिए आना चाहते आप लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर आना चाहते तुम्हें आने का अवसर नहीं गया और आऊंगा तो घंटे भर में नहीं चला जाऊंगा, उठकर रहूंगा आपके लिए दो ढाई तीन घंटा बैठूंगा, आसन नहीं आग्रह नहीं करूंगा, आग्रह नहीं करूंगा केवल गप संभाल। ऐसे ही कुछ बार आपके साथ बैठे गप संभालेंगे लेकिन उनको जीता नहीं। और राजनाथ सिंह के बारे में भी आपने सुना होगा, जानते पुराने पहले जानते थे आप लोग, नहीं जानते थे इंसान ने इतना होगा भाई जो मैं कह रहा हूं वो होता रहे आपके भी जाना चाहता हूं। आप लोगों से मिलेंगे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।